स्वागत है दोस्तों आप सबका रैपिड जियो के एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जारी एक नई वैकेंसी की, जिसके अंतर्गत बोकारो स्टील प्लांट में जो है अटेंडेंट सह तकनीशियन ट्रेनीज की जो है वो भर्ती की जाएगी। तो आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोकारो स्टील प्लांट के लिए 146 अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की वैकेंसी जो है वो अनाउंस की है। तो आइए देखते हैं इस वैकेंसीज़ की जो मुख्य बातें हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हम डिटेल्स ऑफ पोस्ट के बारे में जानते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप सबको दिख रहा होगा कि ये जो वैकेंसी है वो टोटल 146 पोस्ट के लिए अनाउंस की गई है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 56, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 45, ओबीसी के लिए 16 और ईडब्ल्यूएस के लिए 13 पोस्ट जो हैं वो रिज़र्व किए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस वैकेंसी के लिए अपर एज लिमिट जो है वो क्या है। तो अपर एज लिमिट की जो काउंटिंग है, जो गणना है, वो 15/9/2022 के आधार पर की जाएगी और इसके लिए जो है वो अधिकतम उम्र सीमा 28 साल रखी गई है। इसमें एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल, ओबीसी के 3 साल और एक्स सर्विसमैन को भारत सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस पोस्ट के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो पोस्ट है उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो रखी गई है मेट्रिकुलेशन एंड कम्प्लीसन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन इन डेजिग्नेटेड ट्रेड फ्रॉम एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इशूड बाई नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। यानी कि मैट्रिक के बाद किसी एकीकृत इस्पात संयंत्र से निर्दिष्ट ट्रेड में न्यूनतम 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण किया हो एवं राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम NCVT के नाम से भी जानते हैं, से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र NAC प्राप्त किया हो और ये सभी डिग्री जो है वो कम से कम 15 सितंबर 2022 तक पूरी हो जानी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके लिए कैंडिडेट्स की जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो क्या है। तो इसके लिए जो कैंडिडेट है उनकी हाइट कम से कम, मेल पर्सन यानी कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए उनकी हाइट जो है 143 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। अगर वजन की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए वजन 45 किलोग्राम, वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए कम से कम वजन जो है वो 35 किलोग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये इसके लिए जो परीक्षा है वो किस तरह की होगी। तो इस पोस्ट के लिए जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो 100 प्रश्नों का होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 प्रश्न, लॉजिकल रीजनिंग के 30 प्रश्न और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 30 प्रश्न जो हैं वो शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 मार्क्स का होगा और वहीं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स जो हैं वो काट लिए जाएंगे। यानी कि सिंपल अगर वर्ड्स में कहा जाए तो ये परीक्षा जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें, इसीलिए कैंडिडेट्स को बहुत सावधानी से जो है वो ये परीक्षा देनी होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैंडिडेट्स को जो है कितने पैसे मिलेंगे इस पोस्ट पर रहने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के पोस्ट पर सेलेक्टेड होंगे उनको पहले साल की ट्रेनिंग के दौरान 12,900 रुपये पर मंथ एज कंसोलिडेटेड पे दिया जाएगा, वहीं दूसरे साल जो है 16,100 रुपये उनको पर मंथ के हिसाब से कंसोलिडेटेड पेमेंट की जाएगी। दूसरे साल से कैंडिडेट्स को मेडिकल फैसिलिटी अपने लिए, अपने स्पाउस यानी कि अपने पति या पत्नी के लिए और अपने डिपेंडेंट बच्चों के लिए जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी जाएगी, साथ ही छुट्टियां वगैरह जो हैं वो भी कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग दी जाएगी। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद जो है वो कैंडिडेट्स को बेसिक सैलरी DA, TA वगैरह के साथ मिला के S1 ग्रेड की सैलरी जो 25,070 रुपये से लेकर 35,070 रुपये तक के बीच होती है उसका पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए जो है वो एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह जो है वो क्या है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 200 रुपये रखी गई है, वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ESMN डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए जो है वहाँ फ़ी को माफ़ कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की जो डेट है वो 25 अगस्त 2022 से शुरू हो चुकी है और इसे सबमिट करने की का जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर 2022 तक का, इससे ऑनलाइन एप्लीकेशन
डाल सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि और डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन या टेस्ट की जो डेट है वो बाद में अनाउंस की जाएगी, और उसके लिए कैंडिडेट्स को सलाह दिया जाता है कि वो सेल की वेबसाइट या BSL की वेबसाइट जो है वो टाइम टू टाइम विजिट करते रहें, या फिर आपको रैपिड जियो के वेबसाइट पर भी इससे संबंधित जो भी जानकारी बाद में आएगी वो आपको मिल जाएगी। तो ये थी इस वैकेंसी से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। बने रहिए मेरे साथ रैपिड जियो में इसी तरह की करियर और एजुकेशन से जुड़ी अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अभी तक यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियोस जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए और करियर और एजुकेशन से जुड़ी कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। बने रहिए मेरे साथ रैपिड जियो में।